वेलकम बैक। मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को पीबीआर स्टडी परिवार में स्वागत करते हैं। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत अच्छे टॉपिक पे जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश। इसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग आता है, वो डर सा पैदा हो जाता है। देखो अभी बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो, व्हाई नॉट स्पीक इंग्लिश। देखो साथियों अगर मैं बोलूँगा फिर आप समझ नहीं पाएगा इसका फंडामेंटल क्या है। देखो हम लोग जैसे ही सुनते हैं, जैसे ही कहीं से कॉल आता है बोलते हैं हेलो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज योर नेम, देन हम लोग तुरंत सडनली अपने जो क्राइटेरिया होता है हिंदी की तरफ लेकर चले जाते हैं। हम लोग एक डर बन जाता है और बचपन से हमें एक चीज सिखा दिया जाता है इंग्लिश इज अ टॉप, इंग्लिश टॉप है, बहुत मतलब बहुत कठिन है, सीख नहीं पाओगे। एक चीज याद रखना, दुनिया में एक बात याद रखना, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे आप सीखना चाहो और आप सीख ना पाओ। बात याद रखना, आप जिसे सीखना चाहो सीख ना पाओ, ठीक है, बिल्कुल सीख जाओगे, ये बातें आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको सारे वो कॉन्सेप्ट सारे वो राज सिखा दूंगा जिससे आपके इंग्लिश का डर और वह जो बोलते हैं ना वो खत्म हो जाएगा। देखो इंग्लिश एक्चुअली हम डर क्यों जाते हैं, हमारे अंदर डर पैदा क्यों हो जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो बात तो समझना, ये जो हम हैं, जो हमारा सॉरी ये जो हमारा खोपड़ी का बनावट होता है, मान लीजिए यहाँ पे है हमारा आँख है, ये हम मान लो मानव है हम लोग, ठीक है, ये तोता है, मान लो ये तोता को हम बार बार सिखाए क्या चीज, हिंदी सिखाए, इधर से भी हिंदी इधर से भी हिंदी, देखो बार बार हिंदी, इससे भी हिंदी दे रहे हैं। यानी कि हम कहने का मतलब मेरा ये है ना कि हम सुबह से लेकर के शाम तक, यानी जब आप जगते हो, जब आपकी आंखें खुलती है उस समय से लेकर के सोने तक, यहाँ तक जब आप ड्रीम करते हो सपना सुनते हो तब भी आपके दिमाग में एक ही चीज चलता है, वो है हिंदी हिंदी हिंदी। मुझे बताना आप सब साथियों क्या आप कभी हिंदी सीखने के लिए हिंदी बोलने के लिए कभी कोचिंग गए, कभी हिंदी बोलने के लिए ट्यूशन लेना पड़े आपको, मुझे बताओ साथियों, कभी नहीं, एंटायर यूनिवर्स लाइफ कभी नहीं लिया होगा कोचिंग, कोई नहीं लिया होगा, मेरे एक भी ऐसा विद्यार्थी बता दो जो हिंदी बोलने के लिए कहीं जाके कोचिंग वो किया हो, कभी भी नहीं किए होगा, मेरे को पता है। क्योंकि आपने हम लोग पता है आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग देखिए बहुत एक उल्टा कंसेप्ट चलते हैं, पहले हम लोग राइटिंग करते हैं फिर रीडिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसको लिसन सुनते हैं किसी को फिर बोलते हैं, हम लोग बहुत उल्टा तरफ चलते हैं, बहुत उल्टा उल्टा मतलब समझते ना अपोजिट साइड चल रहे हैं हम लोग। स्पोकन क्यों नहीं सीख पा रहे, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे, हम लोग अदर लैंग्वेज क्यों नहीं बोल पाते। मान लो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम लोगों की आना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए हम इंग्लिश क्यों सीखे सर, जबकि हमारा हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा। देखो अगर आप दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हो, कहीं और जाना चाहते हो, किसी कंट्री में कहीं अच्छे जगह जॉब पाना चाहते हो, आपकी ड्रीम है कि मैं स्पोकन में इंग्लिश धुआंधार बोलूं, आपकी ड्रीम है कि मैं धुआंधार इंग्लिश बोलूं, देन यू मस्ट हैव टू नो बेसिक फंडामेंटल ऑफ स्पोकन इंग्लिश, आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल जानना पड़ेगा। और देखो कहानी हम लोग राज ही है ना, हम लोग दिन रात 2400 घंटे सिर्फ हिंदी ही सुनते हैं, हम लोग जब जन्म लेते हैं ना आप साथियों, हम लोग जब जन्म लेते हैं ना तब से ही हमारे माइंड में हिंदी हिंदी हिंदी, चारों बगल से हिंदी, इधर से भी हिंदी इधर से भी हिंदी हिंदी, चारों बगल से हिंदी ही आती है। मुझे बताओ जहाँ पे आप तो हिंदी सुनते हो तो आपके दिमाग में हिंदी ही ना बस जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं ट्रांसलेशन करके इंग्लिश सीख जाऊंगा, नहीं कभी नहीं सीख पाऊंगा। ट्रांसलेशन का चक्कर देखो, हिंदी और इंग्लिश बहुत डिफरेंस है, लैंग्वेजेज है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सीखने की कोशिश करोगे ना बहुत टफ हो जाएंगे, कभी नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना, ये बातों को आपको याद रखना है। इंग्लिश को इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव पुट योर ऑल एफर्ट इन इंग्लिश, वो हिंदी से नहीं सीख पाओगे, इंग्लिश में ही आपको सारी चीज सोचनी पड़ेंगे, सब कुछ इमेजिन। मुझे बताना क्या फॉरेन के जो बच्चे होते हैं, जो अदर कंट्री के बच्चे होते हैं, क्या वो कभी इंग्लिश बोलने के लिए क्लास के नहीं जाते, नहीं, वो एक साल के होते दिनों के डैड मॉम ही स्पीक बोलते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ही स्पीक मॉम आई वॉन्ट टू गो आई टूडे आई एम अपसेट, वो बोलते हैं भाई बचपन में। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, माँ नहीं करेंगे, तो हम लोग का एक जो कहते हैं ना पैतृक लैंग्वेज जो हमारे बचपन से सिखाया जाता है वो हिंदी होता है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश हम लोग के लिए क्या होता है टफ होता है। तो इसकी कुछ हम लोग आपके साथ एक्टिविटी करेंगे,
पहले तो ये कंसेप्ट निकाल दो, अगर आप वाकई में बोलना चाहते हो तो पहले राइटिंग नहीं करोगे, आज से मेरे से प्रॉमिस करो पहले राइटिंग नहीं, स्पोकन के लिए ग्रामर की दुनिया बात अलग है। मुझे बताना जो इंग्लिश था सबसे पहले क्या होगा, किसी के द्वारा बोला गया होगा, पहली बात तो मुझे समझ इंग्लिश के किसी तरह बोला गया होगा, उस बोलते वक्त में कुछ ना कुछ कमियाँ आया होगा, कुछ ना कुछ हम लोग गलतियाँ किए होंगे, ठीक है। देन हम लोगों के पास ग्रामर आया, ग्रामर है तो राइटिंग सेक्शन आया, समझ लो ना। तो पहले हम लोगों की जरूरत क्या पड़ती है साथियों, हमें ये जो हम इसको कॉन्सेप्ट सुधारने की कोशिश करें तो पहले हम लोगों को काम करना होगा लिसनिंग। और लिसनिंग में क्या क्या सुनोगे, लिसनिंग में क्या क्या सुनोगे भाई, कोई सा इंग्लिश सॉन्ग ना सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, क्योंकि आपको बोरिंग फील होने लगेगा। आप क्या करो, हिंदी का जो इंग्लिश का डिबेट होता है जो तो आजकल हमारा न्यूज़पेपर में डिबेट चलता है, ठीक है, हमारे बहुत बड़े बड़े लोग डिबेट करते हैं, उनके छोटे छोटे पार्टों को सुनो, बहुत ही कन्वर्सेशन होते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लाखों वीडियो पड़े हैं कन्वर्सेशन, उनको सुनो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो सुन सुन के, देन वन डे वी कम यू विल स्पीक। एक दिन ऐसा भी आएगा आप थोड़ा थोड़ा बोलने के प्रयास करो, आज थोड़ा कल थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक दिन ऐसा आएगा फ्लुएंटली बोलने लगोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई सीख जाता है, पहली बात है इंग्लिश एक दिन में कोई नहीं सीख जाता। हिंदी बोलने के लिए पता है आप क्या करोगे, पहले का दिन जब आप सुने होगे कान में के, देखो बच्चे क्या होता कहीं नहीं सीखने जाते, बच्चा पापा क्या बोलता है, पापा बोलो बेटा पापा पापा, तो कहता पा पा, फिर बोलता पा, फिर बोलता पा पा पा, धीरे धीरे क्या होता है उसको बोलने के प्रयास करता है, सुनता है, पहले लिसनिंग करता है, वो राइटिंग नहीं करता बच्चा, वो पहले सुनता है, एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। आपको भी काम क्या करना पड़ेगा, पहले कान में हेडफोन लगा देना, सुनना एक चीज़ें बढ़िया तरीके से, लिसनिंग करना, फिर उस चीज़ों को बोलने के प्रयास करना, ये नहीं सोचना कि आप गलत बोलोगे सही, वट एवर एल्स यू स्पीक नेवर थिंक वट यू स्पीक, कभी नहीं सोचना कि आप क्या बोल रहे हो। When you think कि what I am ever, what I have say, then you never speak English. मतलब कुछ भी बोल रहे हो बोलो भाई, पहले तो फ्लुएंटली खुल जाए हमारी, भाई बच्चा सोचता है क्या मैं पापा बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, नहीं, फिर भी पापा हमारे क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हाँ बेटा बोलो पापा, हाँ गलती से ही बोलते हैं बचपन में जब छोटे होते हैं, तो यहाँ तक हम लोग का मम्मी नहीं बोला था, माँ माँ पढ़ते ऐसे ही, फिर धीरे धीरे मम्मी बोलने लगते, तो वो आपको करना पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, पहली बात की लिसनिंग करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना होगा, उस जो आप सुनते हो उसे क्या करना होगा, स्पीक करना होगा, यानी क्योंकि क्यों देखो जब तक आप बोलोगे नहीं, ये कहानी ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, भाई सुनो ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी UPSC की बात करते हैं, जब तक आप सुनोगे नहीं जब तक बोलोगे नहीं, जो चीज़ सुने हो ना उसे बोलने के प्रयास, कुछ भी सुने हो इंग्लिश में, जैसे आपने एक कहानी देखा जैसे लिखा था वहाँ पे, वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल ओके हू डूइंग, मतलब कुछ भी सुने आप उसे बोलो, हिंदी नहीं करो, हिंदी करने के चक्कर में पड़ोगे ना फिर तो साथियों, समझ लो ना, हिंदी कब किया जाता है सब बताऊंगा, क्यों किया जाता है वो आपने बचाने के लिए कहता है, हिंदी करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है। ये छोटी चीज़ें समझो, फिर आपकी इंग्लिश बहुत छोटे कॉन्सेप्ट है, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर दूंगा कैसे इंग्लिश धारा बोलोगे, उसके फार्मूलाज दूंगा, ठीक है। पहले ये चीज़ समझो, इस वाले सेक्शन पहले क्या करना, सुनना है आपको, फिर क्या करना बोलना है, फिर क्या करना, एक बुक उठाना है, कोई सा भी बुक हो भाई, NCERT की इंग्लिश मीडियम को उठा लेना भाई, NCERT को छोटे मोटे मत समझना भाई, कितने बच्चे के दिमाग में होता है ना कौन सा पढ़ो न्यूज़ पेपर, नहीं पहले दिन न्यूज़ पेपर मत उठाना, आप पहली क्लास की जो बुक हो ना NCERT के, ये बात सच में मानो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर कहते हैं न्यूज़ पेपर उठा लो, नहीं शुरुआत में न्यूज़ पेपर उठाओ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सारे वर्ड हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं भाई, वहाँ से बहुत सारे ग्रामर के रूल डाले होते हैं, लेकिन आप पहली क्लास की बुक उठाओ अगर बिगनर्स हो तो, अगर आपके अच्छे वो थोड़े बहुत वोकैब स्ट्रांग है देन वो देन मस्ट यू हैव टू रीड न्यूज़ पेपर, तब आपको न्यूज़ पेपर पढ़नी चाहिए, बट आपके जो वोकैब सेक्शन कमजोर है, आप बिल्कुल न्यू है, आपको क्या करना होगा, बुक पढ़ना होगा। क्या कीजिएगा, पहले काम है कि सुनिएगा कोई चीज़ हो, कोई चीज़ सुने फिर उसे हम रिपीट किया यानी कि बोले, फिर उसको क्या करेंगे, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, कोई नॉवेल कोई बुक इंग्लिश मीडियम को होना चाहिए उसे पढ़ेंगे, आप उस चीज़ों को फिर से लिखेंगे, यानी कि LSRW लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग राइटिंग, ये चीज़ों पर जब काम करोगे ना साथियों, ये चीज़ों पर जब काम करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप डेफिनेटली पूरे फ्लुएंटली नहीं, लेकिन किस कोई बंदा आपके सामने इंग्लिश झा रहा होगा ना, कब कोई बोल रहा होगा ना, डेफिनेटली आप समझ जाओगे, कहीं भी सेंटेंस लिखा होगा ना आप इसे जरूर समझ जाओगे, अच्छा इसका मतलब ये है, क्योंकि जब ये रूल फॉलो करोगे तब, समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपको काम करना है। और सोचना नहीं है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ कि सही, भाई दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नाम का चीज़ ही नहीं था, पहले बात समझो,
दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट ही नहीं होता भाई। अगर परफेक्ट होती बताओ, अगर गॉड जी हम लोग गॉड बनाते हैं, अगर परफेक्ट बनाते तो सारे के सारे आज कोई विकलांग पैदा नहीं होता, कोई बहरा पैदा नहीं होता। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग डिफ्रेंसिएस ही हो सकते हैं, भगवान से भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होते हैं। तो भाई आप भी इंग्लिश बोल रहे हो, शुरुआती तौर है आपका, गलतियाँ करोगे। ये नहीं सोचना है कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, व्हाटएवर एल्स स्पीक, सोचना नहीं है। और देखो बोलने का एक तरीका समझना, आईने होगा ना घर में, सबके पास शीशा होता है ना, किसी के पास खड़ा हो जाना, कुछ भी बोलना इंग्लिश में। जैसे ये देखो कलम है ना, तो कलम को कलम नहीं बोलना, पेन, कहना आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन 10 बार 20 बार बोलो, वो चीज़ आपको क्या होगा माइंड में जाएंगे। एक चीज़ क्या होती है एक्टिविटी होंगे, फिर एक्टिविटी धीरे धीरे होते होते डेफिनेटली आप बोलना सीख जाओगे। और ऐसा भी आएगा कि आप बहुत धुआंधार तरीके से इंग्लिश बोलोगे, साथ ही मैं डिबेट भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ तक कि कन्वर्सेशन भी कराऊंगा, इस सब पर कामें करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहना, बस ये थी हमारी कुछ फॉर्मूलाज कि आप अपने आप को कैसे इंग्लिश में इन्वॉल्व करना है, इंग्लिश के फ्लो की ओर कैसे बढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इसके बेसिक कंसेप्ट क्या, क्यों नहीं सीख पाते ये चीज़ें, तो पता होना चाहिए हम लोग क्यों नहीं अंग्रेजी सीख पाते। ये बातें थी, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं बेहतर इंग्लिश सीख पाना तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर से PBR स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको एक कोर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के, इंग्लिश ग्रामर, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए, कोई इसके चार्जेस नहीं है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।